रिलैक्स गाइस, बीट पे करवा रहा है। तो दोस्तों स्क्रीन में जो आप स्टेटस वीडियो देख रहे हैं, अगर आप भी इस प्रकार का क्रिएट करना चाहते हैं, खुद का फोटो लगाकर या फिर किसी भी फ्रेंड्स का फोटो को लगाकर इस प्रकार का स्टेटस वीडियो क्रिएट करना है, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको कंप्लीट बने रहना होगा, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि कैसे हम इस प्रकार के वीडियो को क्रिएट करते हैं। सो गाइस वीडियो में बिना देर किए हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अपने काइंड मास्टर एप्लीकेशन को इस प्रकार से ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद दोस्तों ऊपर में देखिए आपको रेड कलर में लिखा हुआ है प्लस न्यू प्रोजेक्ट का, यहाँ पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों क्या करना है, आपको रेशियो यहाँ पे नीचे में सेलेक्ट कर लेना है। सो गाइस रेशियो आपको 9:16 को सेलेक्ट कर लेना और जो नीचे क्रिएट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों सिंपली यहाँ से इस प्रकार का आपका इंटरफेस खोल के आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से क्या करना है, एक बार बैक कर लेना है, ठीक है। इस प्रकार से बैक कर लीजिएगा, जो यहाँ मीडिया का ऑप्शन ऊपर में दिखाई दे रहा है मीडिया पर क्लिक करना। मीडिया पर क्लिक करने के बाद दोस्तों एक एक बैकग्राउंड यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है स्काई बैकग्राउंड का, ठीक है। सो गाइस इस बैकग्राउंड का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से पहले डाउनलोड कर लीजिएगा इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों इस बैकग्राउंड का ड्यूरेशन क्या करना, जितना सेकंड का वीडियो बनाना चाहते हैं उतना सेकंड इसका ड्यूरेशन बढ़ा लेना कुछ इस प्रकार से, ठीक है। बढ़ाने के बाद दोस्तों यहाँ भी इस बैकग्राउंड पे क्लिक करना, एडजस्टमेंट में चले जाना, और इसको आप अगर एडजस्टमेंट इस प्रकार से करना चाहते हैं सो गाइस इस बैकग्राउंड को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से इस प्रकार से, ठीक है। सो गाइस आपको जिस तरह से आपको एडजस्ट करना है अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिएगा, ओके। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से बैक आना, बैक आने के बाद दोस्तों क्या करना, फिर से लेयर पर क्लिक करना। लेयर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों मीडिया पे क्लिक कर देना और यहाँ से क्या करना, एक इमेज को आपको सेलेक्ट कर लेना। सो गाइस उस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव होना चाहिए। अगर दोस्तों आपको नहीं है इस प्रकार का, आपके पास इमेज नहीं है, तो इस इमेज का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ला के इसको एडजस्ट करना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से एडजस्ट करना। अब दोस्तों एडजस्ट करने के बाद नीचे आना, यहाँ क्रॉपिंग का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्रॉपिंग पर क्लिक करना। क्रॉपिंग के क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ मास्क का जो एक ऑप्शन है, मास्क को इनेबल करके इसको क्या करना है, फिदर को आप कुछ इस प्रकार से इंक्रीज कर लेना अपने हिसाब से, कुछ इस प्रकार इंक्रीज कर लेना, ठीक है। इंक्रीज करने के बाद दोस्तों यहाँ से बैक करना, बैक करने के बाद दोस्तों इस फोटो का ड्यूरेशन क्या करना, जितना आपका ये बैकग्राउंड का है उतना इसका भी ड्यूरेशन बढ़ा लेना यहाँ तक, ठीक है। इस प्रकार से अब दोस्तों यहाँ से स्टार्टिंग में आ जाना। स्टार्टिंग में आने के बाद दोस्तों इस फोटो पर क्लिक करना, देन थोड़ा सा नीचे स्क्रोल करना यहाँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए अल्फा ओपासिटी एक ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे क्लिक करना और कुछ इसको यहाँ से क्या करना, इस प्रकार से आपको 60 या 65 पे इस प्रकार रख लेना, ठीक है। इस प्रकार अपने हिसाब से। उसके बाद दोस्तों यहाँ से इसको भी बैक कर लेना, बैक कर लेना, ठीक है। बैक करने के बाद दोस्तों फिर से लेयर पर क्लिक करना, मीडिया पर क्लिक करना। मीडिया पर क्लिक करने के बाद दोस्तों एक बॉयज का यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड वाला फोटो को ऐड कर लेना। सो गाइस अगर आपके पास नहीं है तो इसका भी लिंक दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा इस प्रकार, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों इसको थोड़ा सा बड़ा इस प्रकार जूम कर लेना, इस प्रकार से जूम करके बड़ा करके यहाँ पर ला के आपको यहाँ पर एडजस्ट कर लेना, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल डाउन करना और यहाँ पे एडजस्टमेंट में चले जाना और यहाँ भी कुछ इसको अपने हिसाब से इस प्रकार एडजस्ट कर लीजिएगा, इस प्रकार से एडजस्ट कर लेना, ठीक है। इस प्रकार से उसके बाद दोस्तों यहाँ से बैक कर लेना। इस प्रकार बैक करने के बाद दोस्तों इस इमेज का भी ड्यूरेशन को क्या करना, यहाँ से बढ़ा के इस प्रकार बढ़ा के इसका भी ड्यूरेशन को क्या करना, यहाँ से इसका जितना वीडियो का है उतना यहाँ पर रख लेना, ठीक है। इस प्रकार रखने के बाद दोस्तों फिर से स्टार्टिंग में आ जाना। अब दोस्तों स्टार्टिंग में आने के बाद क्या करना है, यहाँ से एक सॉन्ग को ऐड करना है। सो गाइस जिस वीडियो को हम पहले बना कर रखें उसके वहाँ से एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर लेते हैं। सो गाइस उसके लिए लेयर पे क्लिक करना होगा, मीडिया पे क्लिक करना। मीडिया पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारा काइंड मास्टर में यह वीडियो बनाया हुआ है, तो हम काइंड मास्टर को ओपन करेंगे और यहाँ से इस प्रकार इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों नीचे स्क्रोल डाउन करके चले जाना आपको कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार सपोर्ट करने के बाद दोस्तों इस प्रकार वीडियो यहाँ पे सपोर्ट कर लेगा। उसके बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल करके जाना यहाँ पे और यहाँ पे देखिए एक्सट्रैक्ट ऑडियो का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे तो इसको क्लिक कर देना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इस वीडियो को यहाँ से डिलीट कर लेना है, ठीक है। इस प्रकार वीडियो को डिलीट कर देना। अब दोस्तों वीडियो को पहले प्ले करके देख लेना आपका साउंड यहाँ लगा है या नहीं। सो गाइस साउंड यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब दोस्तों फिर से लेयर पे क्लिक करना, मीडिया पे क्लिक करना। मीडिया पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से डाउनलोड पे चले जाना। डाउनलोड में जाने के बाद दोस्तों म्यूजिक एक यहाँ पे क्या करना है, म्यूजिक टेम्पलेट इस प्रकार का यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। इस प्रकार अब दोस्तों नीचे स्क्रोल डाउन करना और यहाँ पर देखिए ब्लाइंडिंग का जो ऑप्शन है इसमें क्लिक करना
और यहाँ से इसको स्क्रीन पे सेट करके कुछ अपने हिसाब से यहाँ नीचे ला के इसको एडजस्ट कर देना है इतना, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से बैक कर लेना। बैक करने के बाद दोस्तों इसका ड्यूरेशन आपका फुल में हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से क्या करना है, आपको ध्यान देना है, सबसे पहले लेयर पे क्लिक करना, मीडिया पे क्लिक करना। मीडिया पे क्लिक करने के बाद दोस्तों एक टेम्पलेट वीडियो यहाँ कलर वाला को यहाँ से ऐड करना है, ठीक है। इस प्रकार से कलर टेम्पलेट वीडियो को ऐड करना है। सो का ऐड करने के बाद नीचे आना है, स्क्रॉल करके सिलेक्ट स्क्रीन में क्लिक करना, यहाँ से फुल स्क्रीन करके यहाँ से बैक कर लेना, ठीक है। बैक करने के बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल करना, ब्लेंडिंग में जाना और यहाँ से इसको स्क्रीन कर लेना। स्क्रीन करने के बाद दोस्तों क्या करना, जो भी इसका साउंड रहेगा उसको यहाँ मिक्सर पे डालना और इसका साउंड को यहाँ से ऑफ कर लेना, ठीक है। साउंड ऑफ करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान देना होगा आपको, सबसे पहले दोस्तों क्या करना, इस वीडियो का ड्यूरेशन को आपको क्या करना है 30 सेकंड तक बढ़ा लेना है। 30 सेकंड तक सबसे पहले इस वीडियो का ड्यूरेशन को आपको क्या करना है 30 सेकंड तक यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। सो गाइस सभी कर लें तो हम 30 सेकंड बढ़ा के आपको बताते हैं कैसे करना है। सो गाइस सभी ये ड्यूरेशन इमेज का लिंक को हम क्या कहें 30 सेकंड तक बढ़ा लिया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना है तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, देखना है सॉन्ग का जो बीट हमारा स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे देखिए इस प्रकार का बीट जो स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले क्या करना है दोस्तों यहाँ पे कुछ इतना में रख लेना 18 सेकंड तक, ठीक है। उसके बाद जो हम टेम्पलेट वीडियो को ऐड किए थे उसमें क्लिक करना और यहाँ कैंची पे चले जाना और इसको ट्रिम टू राइट कर लेना, ठीक है। राइट करने के बाद दोस्तों यहाँ से बैक करना। बैक करने के बाद दोस्तों क्या करना है, यहाँ लेयर पर क्लिक करना, देन स्टिकर पर क्लिक करना। स्टिकर पर क्लिक करने के बाद दोस्तों एंड डेज यहाँ पे एक मिल जाएगा स्टिकर, इसको क्या करना है यहाँ से इस प्रकार सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से बैक कर लेना। अब दोस्तों सेलेक्ट करने वाला जो सेलेक्ट किया उसको क्या करना है, यहाँ से इस प्रकार एडजस्ट करके इसको जूम करके आपको बड़ा करना होगा, इस प्रकार बड़ा कर लेना अपने हिसाब से जूम करके, ठीक है। इस प्रकार से जूम करके बड़ा कर लेना, इस प्रकार जूम करके यहाँ से बड़ा कर लेना कुछ इतना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ऊपर से आपको क्या करना है, यहाँ पर एडजस्ट करना है कुछ ऊपर से, इस प्रकार से कुछ अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिएगा इस प्रकार, ठीक है। इस प्रकार उसके बाद दोस्तों अब यहाँ क्या करना है, जो इसका लेंथ है इसको फुल वीडियो में आपको यहाँ से इस प्रकार रख लेना है, इस प्रकार फुल वीडियो में रखना, ठीक है। फुल वीडियो में रखने के बाद दोस्तों आप क्या करना है, वीडियो को यहाँ से प्ले करके देख लेना होगा इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार। सो गाइस जो इसका यहाँ पार्टिकल टेम्पलेट का जो साउंड है उसको क्या करना है, यहाँ से आपको ऑफ कर लेना होगा इस प्रकार, ठीक है, ऑफ कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा वीडियो यहाँ पे फाइनली बन के कम्प्लीट हो जाएगा इस प्रकार। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए स्टेटस के साथ।